बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। 10 मिनट्स फॉर हैप्पीनेस एंड सक्सेस, इस विषय पर पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की कि अगर हमें हैप्पीनेस क्रिएट करना है, क्योंकि हैप्पीनेस ढूंढने से नहीं मिलती, हैप्पीनेस हमारे अंदर है, हम खुद क्रिएट करते हैं। आप जब चाहें खुश रहेंगे, आप जब नहीं चाहते उसी समय आप दुखी होते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है, आपकी सोल एनर्जी डिक्रीज होती है और वो आपको सक्सेस के रास्ते पर चलने से रोकती है। तो बात की थी हमने कि हम सभी नेगेटिविटी को अपने से दूर रखेंगे, हम गुस्से को अपने से दूर रखेंगे। आइए इसी पे थोड़ा सा और बात करें कि कैसे ये नेगेटिविटी सबसे पहले हमारे खुद के ऊपर इफेक्ट डालती है, उसके बाद बाहर के लोगों पर इफेक्ट डालती है। आप ऑब्जर्व करिए कि पिछली बार आपने कब गुस्सा किया, और जब भी आप गुस्सा करते हैं तो जो आप या जो भी व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, उस गुस्से का इफेक्ट उसी व्यक्ति पर सबसे पहले होगा। गुस्से करने वाले का जो सामने दिख रहा है इफेक्ट, वो क्या है, उसका बीपी बढ़ जाता है, जिसका इफेक्ट उसके ही बॉडी पार्ट पे पड़ता है, और बार बार करने से बड़ी बीमारियां भी गुस्से के कारण ही होती हैं। और सच तो ये है कि जिस पर आप गुस्सा कर रहे हैं, हो सकता है उस पर कोई इफेक्ट ही ना हो, क्योंकि वो तो उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो आपके गुस्से से अफेक्टेड है या कि नहीं। तो अब सोच कर देखिए कि जो गुस्सा आप दूसरे को दिखा रहे हैं, दूसरे पर कर रहे हैं, उससे दूसरे पर इफेक्ट ही नहीं हुआ, सिर्फ आप पर इफेक्ट आया, आप पर बैड इफेक्ट पड़ा, आप अनहैप्पी हुए, अनहेल्दी हुए, आपकी सक्सेस रुकी, अब भी क्या गुस्सा करना चाहोगे? नहीं ना। तो अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, गुस्से को अपने आसपास तक आने से रोक दीजिए, और बहुत आसान है, धीरे-धीरे होगा, पर होगा। निराश नहीं होना है, आपने प्रैक्टिस शुरू की, कई बार आप प्रैक्टिस करते हैं, फिर गुस्सा आप कर गए, क्योंकि आपके अर्जित संस्कारों की एनर्जी बढ़ी हुई थी, गुस्सा आपको आ गया या गुस्सा आप कर गए, तो आप उस पर भी नाराजगी आप करते हैं, गुस्सा करते हैं कि हमने एक प्रैक्टिस की और वो सक्सेस नहीं हुई। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। एक बार आ गया तो कोई बात नहीं, उसको भूल जाइए। देखिए, अगर गलती हो भी गई, गलती से गुस्सा आ गया, तो उसको बार बार याद भी नहीं करना है, क्योंकि जिस समय आप किसी एक्टिविटी, किसी घटना को याद भी करते हैं, तो उस घटना को, उस एक्टिविटी को आप एनर्जाइज कर रहे हैं, और उसका भी इफेक्ट आप पर, आपके आसपास, आपके समाज पर पड़ने वाला है। तो इसलिए अगर कोई गुस्सा आपने कर भी दिया, छोड़ दीजिए उसको वहां पर, फिर से अपनी प्रैक्टिस पे आ जाइए, और देखिए धीरे धीरे ये गुस्से का संस्कार कम होता चला जाएगा। और आपको क्या करना हैप्पीनेस चाहिए, सक्सेस चाहिए। मैंने बात की थी पिछले वीडियो में कि आपके अंदर संपूर्ण ऊर्जा का एक बीज बैठा हुआ है। वो बीज, आप बीज देखिए, छोटा सा बीज होता है, और वो बीज बड़े जंगल का रूप ले लेता है, उसे फल फूल सारे चीजें जन्म लेते हैं, यानी उस नन्हे बीज के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाहित है। ऐसे ही आपके अंदर ऊर्जा का वो अंश है, वो बीज है, जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल।
सक्सेस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, रिमूव द वर्ड इम्पॉसिबल फ्रॉम योर डिक्शनरी। अपने शब्द कोश से इम्पॉसिबल असंभव जैसा शब्द निकाल दीजिए। एक लो एनर्जी वर्ड है, ये आपकी एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, आपकी सोल एनर्जी को डाउन करता है। आपको हाई एनर्जी वर्ड्स का यूज करना है। पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। मैं ये नहीं कह रही कि अपनी सामर्थ्य का आकलन आप ना करें। देखिए, हमें थॉट्स ऐसे क्रिएट करने हैं जो हमें एनर्जाइज करें, और हमें जो सिचुएशन होगी, जो प्रैक्टिकलिटी है, उसके साथ बैलेंस भी बनाना है। अब मैंने यहाँ प्रैक्टिकलिटी की बात क्यों की, सिचुएशन की बात, मैं ये नहीं कह रही आप परिस्थितियों का दास बने रहें, इस पर भी मैं बात करती हूँ अभी। आपको परिस्थितियों का दास नहीं बनना है, आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं। और अगर आप एक्सटर्नल कंडीशन, जो बाहर की परिस्थितियां हैं, उसका इफेक्ट अगर आप पर पड़ रहा है, इसका मतलब आप परिस्थितियों के दास हैं। आपको परिस्थितियां अपने अनुसार चलानी है, परिस्थितियों का इफेक्ट नहीं आने देना है। आपको एक बैलेंस बनाना है। लेकिन फिर भी मैंने प्रैक्टिकलिटी के साथ बैलेंस की बात क्यों की? अगर आप ऐसा प्लान करते हैं कि 1 साल का जो वर्क होता है वो आप 1 घंटे में कर लेंगे, आज के परिवेश की बात हो रही है, आज की जो भी कंडीशंस हैं, तो शायद प्लानिंग ही कुछ गलत हो जा रही है। अब मैंने यहां ये नहीं कहा कि ये इम्पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उसके लिए उतना पुरुषार्थ करना होगा। जैसे जब तक कंप्यूटर नहीं बने थे, किसी भी काम, एक कैलकुलेशन करना है, कोई चीज हमें, कोई फाइल क्रिएट करनी है, बनानी है, तो उसी काम में हमें एक लंबा समय, महीनों लग जाते थे। आज आपके पास वो टेक्नोलॉजी आपने डेवलप कर ली है कि जो महीनों का काम था वो आप घंटों में कर लेते हैं। इसलिए अगर मैंने ये कहा कि 1 साल का काम 1 घंटे में करना, तो उसके लिए वो पुरुषार्थ करना होगा जो आवश्यक है, जो वो परिस्थिति बना दे। लेकिन अगर हम तुरंत उस दिशा में पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, तो हम अपनी प्लानिंग ऐसी करें कि हम आज की कंडीशन में, आज के परिवेश में अपनी पूरी एनर्जी लगा करके सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते जाएं और हमेशा हैप्पी रहें। बस अपनी सोल एनर्जी को बढ़ाते जाना है साथ साथ, यानी चारों दिशाओं से, बल्कि कहें दसों दिशाओं से, आपको ऐसा माहौल बनाना है कि आप हैप्पी रहें। और उसका सबसे आसान तरीका, सबसे स्टार्टिंग क्या है? अगर हम चाहें हम परिवेश बदल दें, हम सामने वाले व्यक्ति को बदल दें, तो वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सबसे आसान क्या है? खुद को बदलें। अपने अंदर की जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, उसमें हम बदलाव लेकर के आएं। तो सबसे पहला स्टेप, गुस्सा छोड़ दें, नेगेटिविटी छोड़ दें, हमारी एनर्जी तो वैसे ही बूस्ट हो जाती है, बढ़ जाती है। और दूसरा स्टेप जो हम आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं, वो क्या है कि परिस्थितियों का इफेक्ट अपने ऊपर नहीं पड़ने देना। सामने वाला गुस्सा कर रहा है, वो सामने वाले का संस्कार है। सामने वाला चिल्ला रहा है, वो उसका संस्कार है। आप परिवार में हैं, आप फ्रेंड्स हैं, आप अपेक्षा कर रहे हैं कि आपके साथ वाले व्यक्ति को आपका ध्यान रखना चाहिए, अगर वो नहीं रख रहा, ये उसका संस्कार है। तो फिर इसका इफेक्ट आप अपने ऊपर डालकर, अपनी सोल एनर्जी डिक्रीज करके, अपनी सक्सेस के रास्ते में रोड़े क्यों अटकाना चाह रहे हैं? हो सकता है जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करें, जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तो बार बार आपके ध्यान में वही चीजें आए, लेकिन उसको वही स्टॉप करना है। नो नो एंट्री, उस थॉट को अपने अंदर आने नहीं देना है, क्योंकि उससे आप ही अफेक्टेड होंगे।
मतलब जो ऊर्जा का बीज आपके अंदर पड़ा है उसे पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आप बना कर देंगी और फिर उस ऊर्जा का प्रयोग अपनी हैप्पीनेस, अपने सक्सेस और इस सोसाइटी को हैप्पी करने में आप लगाएंगे, आप शांति की स्थापना करने में लगाएंगे। आइए बीज पर चंद पंक्तियां हम यहाँ पर श्रवण करते हैं, उसके बाद हम आज की चर्चा पर आगे चलते हैं, क्योंकि जब बीज की बात आ जा रही है तो बीज का कुछ उसके गुणों का बखान कर लेते हैं। बीज कहता है, वो बीज किसी पौधे का बीज हो सकता है, वो आपके अंदर पड़ा हुआ ऊर्जा का बीज हो सकता है, सक्सेस का बीज हो सकता है। देना ना कोई मुझे चुनौती, देना ना कोई मुझे चुनौती, मैं तो अवसर खुद गढ़ लूंगा, मैं अपनी हिम्मत के दम पर जंगल में मंगल कर दूंगा। डरता वो जिसे चाह हो सुख की, मैं दुख को सुखमय कर लूंगा। डरता वो जिसे चाह हो सुख की, मैं दुख को सुखमय कर लूंगा। कर्तव्यों के मार्ग में चलकर मैं अनंत आनंद रस लूंगा। देना ना कोई मुझे चुनौती, मैं तो अवसर खुद गढ़ लूंगा, मैं तो अवसर खुद गढ़ लूंगा। मैं बीज सृष्टि का सार समेटे जग को नव जीवन दे दूंगा। अपनी उर्वरता से जग के कण कण में जीवन भर दूंगा। देना ना कोई मुझे चुनौती, मैं तो अवसर खुद गढ़ लूंगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मेरे अंदर के विचार थे जिसे मैंने अपनी प्रथम पुस्तक कल्पना के कल्पित मोती इसमें दिया हुआ है। तो बीज पर इस चर्चा के साथ साथ हम बात कर रहे थे परिस्थितियों के बारे में, आपके अंदर जो ऊर्जा का बीज पड़ा हुआ है उसके लिए अच्छी कंडीशन क्रिएट करने के लिए, सही परिस्थितियां बनाने के लिए हम बात कर रहे थे, जिससे वो बीज पल्लवित हो सके, आप सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ सकें। दोस्तों, चर्चा के बीच में ही मैंने इन पंक्तियों का पाठ किया, आपने श्रवण किया। यहां से मैं आपको एक और बात बताना चाह रही थी, आप हैप्पीनेस चाहते हैं, आप सक्सेस चाहते हैं, आप कहते हैं आप थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये कंट्रोलिंग पावर आपके पास है, बस आपको हमेशा सतर्क रहना है। कैसे? जैसे मुझे पता है कि मैं आपके साथ बात कर रही हूं, मैं परिस्थितियों के विषय पर चर्चा कर रही हूं, उसके बीच में मैं ये पंक्तियां लेकर के आई, लेकिन मैंने अपना कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं किया कि मुझे आपसे बात जारी रखनी है, इसलिए जब मैंने चाहा पंक्तियां पाठ की और जहां चाहा उसको स्टॉप कर दिया और आगे की चर्चा पर आगे बढ़ लिए। बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है। अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट जन्म लेने लगता है, स्टॉप कर दीजिए, नो नो एंट्री, हमें इस डायरेक्शन में जाना है। गुस्से का थॉट आ रहा है, नो एंट्री, वहीं रोक दीजिए, हमें हैप्पीनेस के डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि हमें अपनी एनर्जी को बढ़ाना है, हमें सोसाइटी को शांतिपूर्ण माहौल में ले जाना है। हमें परिस्थितियों का दास नहीं बनना है, बल्कि हमें परिस्थितियों को खुद कंट्रोल करना है, और इसका प्रैक्टिस आपसे स्टार्ट होती है। और इसके साथ आप योग करते रहिए, जिससे आपका मन, मस्तिष्क, शरीर निरोगी रहे और आपके इस प्रैक्टिस में आपको सहयोग मिलता रहे। फ्रेंड्स, जो हम विचारों की बात करते हैं, यानी उस पर लगातार हमें कंसंट्रेशन बनाए रखना है कि हमें नेगेटिव थॉट को नहीं आने देना, आने लग रहा है तो रोक दिया, ये भी देखिए तो एक तरीके का मेडिटेशन ही है। मेडिटेशन में हम एक चीज पर कंसंट्रेट करते हैं, यहां आपको कंसंट्रेट करना है पॉजिटिविटी पर, हमें पॉजिटिव थॉट्स को ही क्रिएट करना है जो हमारी एनर्जी को बढ़ाएगा। और ये ध्यान भी तो, मेडिटेशन भी तो योग का एक पार्ट है। जब तक हम योग के सारे पार्ट्स को अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, तब तक पूरा योग कहाँ हुआ? और पूरा योग अगर नहीं कर रहे हैं तो हमें पूरा उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा? तो फ्रेंड्स, अपने हैप्पीनेस को क्रिएट करिए, सोसाइटी को हैप्पी करिए, आप सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़िए, गुस्से को, नेगेटिविटी को टाटा बाय बाय करते चलिए, और उसमें योग और आयुर्वेद की शरण में आप बने रहिए। बीज पर जो हमने चर्चा की,
बीज के लिए अनुकूल परिस्थितियां आप बनाइए। जैसे जब तक उर्वर मिट्टी ना मिले, जब तक प्रॉपर नमी जल ना मिले, प्रॉपर एयर ना हो, तब तक बीज पुष्पित पल्लवित नहीं होता। इसी तरीके से आपके अंदर जो एनर्जी है उसको पुष्पित पल्लवित करने के लिए आपको पॉजिटिविटी का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो वो एटमॉस्फेयर आपको क्रिएट करना होगा। नेगेटिविटी में, गुस्से में आपका टाइम किल होता है, आपकी एनर्जी किल होती है। और दोस्तों, जो समय आप बर्बाद कर देते हैं वो समय ही तो जीवन है। अगर आपको अपने जीवन से प्रेम है तो आप समय को बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि समय ही जीवन है। हर पल को हमें ऐसे जीना है कि बस यही क्षण हमारे जीवन का अंतिम क्षण है और हम जो बेहतर कर सकते हैं इसी क्षण हमें करना है। इस सोच के साथ आगे बढ़िए, तब पॉजिटिविटी की डोर को आप पकड़ कर रख पाएंगे, नेगेटिविटी को दूर कर पाएंगे। आपके चारों तरफ, आपके आसपास आप ऑब्जर्व करके देखिए, आप खुद भी हो सकते हैं अपने इंस्पिरेशन, अपने प्रेरणा स्रोत। कई बार आपको लगता है, हम लोग दूर दूर कहानियों पर चर्चा करते हैं, अगर आपने सुनी हो हम हंगरी के एक शूटर की बात करते हैं, आप अरुणिमा सिन्हा की कहानी सुन लीजिए, आपके लिए प्रेरणा स्रोत है। या छोड़िए, मेरे साथ जुड़ने वाले बहुत से श्रोता गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक लखनऊ से हैं। अगर आपके बगल के पॉलिटेक्निक की एक बच्चे का मैं एग्जाम्पल दे दूं, जी, आप कई बार सोचते हैं कि हमें वो रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, वो संसाधन नहीं मिल रहे हैं, वो माहौल नहीं है, लेकिन आपके बगल के पॉलिटेक्निक में, यानी जीपीएल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ का एक बच्चा गौरव सिंह पटेल, वो बच्चा एक रिसर्च पेपर लिख करके, और वो एक जो इंटरनेशनल जर्नल है उसमें प्रकाशित होता है, एक बड़ा काम उसने किया, वो भी एक प्रेरणा स्रोत है। तो आप भी कर सकते हैं, आपके अंदर भी वो एनर्जी है, उसको नेगेटिविटी में वेस्ट नहीं करना है। अपनी एनर्जी को सही एटमॉस्फेयर दीजिए और आगे बढ़िए। मैं प्रेरक कहानियों के साथ आपसे फिर जुड़ूंगी और आपकी एनर्जी को बूस्ट करूंगी, क्योंकि प्रेरक कहानियां आपकी एनर्जी को बढ़ा देते हैं, आपको पॉजिटिव विचार क्रिएट करने में आपकी हेल्प करते हैं। इसलिए हमें प्रेरक कहानी कहनी भी चाहिए और सुननी भी चाहिए। तो बहुत जल्द मैं प्रेरक कहानी के साथ आपके साथ जुड़ूंगी और आपको सक्सेस के रास्ते पर ले चलने में आपकी मदद करूंगी और अपनी भी मदद करूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।